हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लेकर आए संस्कृत एनुअल का एग्जाम का सोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप लिख ही लिए होंगे, जो नहीं लिखे होंगे मैं उसके आंसर आपको मिलवा दूंगा। ये सब आपको इसमें से ढूंढ कर लिख लेना है। चलिए, ये सब तो आप ढूंढ कर लिख ही लिए होंगे। चलिए मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ। तो चलिए, फर्स्ट का आपको आंसर हो जाएगा भवंती हो जाएगा आपको, सेकेंड में हो जाएगा सुखम, थर्ड में हो जाएगा आपको जना, फोर्थ में हो जाएगा आपको शत्रु। चलिए इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ नीचे चल के। चलिए ये सब आपको मैं, चलिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलिए आपको फर्स्ट में हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, नमो नमो, ये आपको फर्स्ट में हो जाएगा। सेकेंड में आपको हो जाएगा कुशलम, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। थर्ड में आपको हो जाएगा अप्सरे, फोर्थ में आपको हो जाएगा क्या, फोर्थ नहीं, थर्ड में आपको गलत है, थर्ड में आपको हो जाएगा विद्यालय, फोर्थ में हो जाएगा आपको अप्सरे, ठीक है, फिफ्थ में हो जाएगा महत्व, सिक्स्थ में हो जाएगा आपको स्वच्छम, सेवन में हो जाएगा आपको ये पर्यावरण मंत्री, एट में हो जाएगा छात्रान, नाइन में हो जाएगा आपको सुचियतु, और दस में हो जाएगा गोपाल। चलिए आगे, आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अच्छे से मैं रख दूँगा, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप देख लिए होंगे, चलिए ये सब मैं अनुवाद में डाल दूंगा उसमें, आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें आपको हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाशम, लिख लीजिएगा सत्यार्थ प्रकाशम, ऐसे सत्यार्थ लिख लीजिएगा और उसके बाद प्रकाशम ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे आपको हो जाएगा प्रश्न प्लस उत्तरी लिख लीजिएगा, ये सब मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। इसमें हो जाएगा आपको स्वागतम, इसमें हो जाएगा तथा प्लस एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब मैं आपको इसमें गलत हो जाए, इसमें जाएगा मनिया, इसमें जाएगा दसमीन, इसमें जाएगा आपको टॉम। चलिए आगे बढ़ते, इसमें जाएगा आपको त्रिश, इसमें हो जाएगा चतवार, इसमें हो जाएगा आपको पचासी दी, इसमें हो जाएगा आपको चतुर्विंशति। चलिए ये सब आपको हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ बोलकर आप लिख लीजिएगा। इसमें हो जाएगा आपको चौथा विभक्ति हो जाएगा और नम योग्य लिख लीजिएगा। इसमें आपको हो जाएगा द्वितीय विभक्ति और उभयत्व योगी, इसमें आपको हो जाएगा सप्तमा विभक्ति और स्नेह योगी, ये वाला स्नेह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में आपको हो जाएगा छठी विभक्ति उत्तर योगी, ये लिख लीजिएगा। फिफ्थ में हो जाएगा आपको तृतीय विभक्ति अलम योगी, ये अलम योगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसमें आपको हो जाएगा फर्स्ट में गमिश्यामा, सेकेंड में हो जाएगा पश्यन, थर्ड में हो जाएगा पठे, फोर्थ में हो जाएगा आपको सेप्ते, फिफ्थ में हो जाएगा आपको पद। चलिए आगे, इसमें आपको क्रीड प्लस कतवा लिख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा परित्यज, इसमें हो जाएगा खाद प्लस तुमोन, इसमें हो जाएगा भ्रमित्वा। चलिए आगे बढ़ते, हाँ इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हो जाएगा अध हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा जो बच गया आपको, इसमें से आपको कोई दो ही लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हो जाएगा सिर्फ ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, सिर्फ प्लस का चाइन नहीं रहेगा, इसमें प के बाद ये लिख दीजिएगा, इसमें ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो आप लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ।